बेमेतरा में खाद और बीज नहीं मिलने से नाराज मोह भट्टा समिति के किसानों ने प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की लगातार शिकायत के बाद किसान नेता योगेश तिवारी विधानसभा क्षेत्र की कई समितियों में पहुंचकर किसानों से रूबरू हुए। यहां किसानों ने किसान नेता को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। किसानों ने खासकर खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के साथ बाजार में कालाबाजारी की शिकायत की। किसानों ने बताया कि हर स्तर पर किसान लूटे जा रहे हैं। सेवा सहकारी समितियों से सरकार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन हर बार किसानों को निराश लौटना पड़ता है। बाजार पहुंचने पर व्यापारी मनमानी करते हैं। निर्धारित दर से अधिक दाम पर खाद और बीज की बिक्री की जा रही है। सवाल पूछने पर खाद नहीं होने की बात कहकर बैरंग लौटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसान को मजबूरन अधिक दाम पर खाद और बीज खरीदना पड़ रहा है। मोह भट्टा के किसानों की माने तो कई दिनों से खाद नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में समिति के कर्मचारियों का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने कृषि कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। विधानसभा में सब सोसाइटियों में किसान परेशान है। किसानों को बराबर खाद नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, राखन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज हम लोग मोहभट्टा सोसाइटी के दौरे में आए। सब किसान बता रहे हैं कि आज पिछले एक महीने डेढ़ महीने चक्कर लगा रहे हैं, कभी किसी बहाने को लेकर कभी किसी बहाने को लेकर किसानों को सही समय में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज एक पानी गिरने के बाद किसान पूरे फसल की तैयारी में है, खेती करने की तैयारी में है, लेकिन खाद का कालाबाजारी हो रहा है। दुकान में डबल रेटों में लेने के लिए मजबूर किसान। हम चाहते हैं सब्सिडी वाला जब सरकार जब सेवा सहकारी समिति से इनको खास समय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो इस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। आगे हो सकता है बड़े रूप में हंगामा करें और इनको तत्काल समय में खाद बीज दवाई उपलब्ध होनी चाहिए सोसाइटी में। यहाँ सोसाइटी में आए इनका खाद मिलेगी के डीपी अभी मिले नहीं है, कम से कम एक महीना के आसपास हो गए। अब आही तक अभी नंबर आही तब मिले से कहा थे। अब लगभग में जब ले खाद चालू हुए तब ले अभी हम लेगे नहीं है डीपी महादेव या पोटास राखड़ भर लगे हैं। बरायन का डीपी एरिया और कुंवर से आज तक के परेशानी चले थे, कुंवर में मिलवे नहीं करी। चुनहारी भर बिल्कुल आदमी कब तो ऐसे निकले गेहूँ जिन सींचे नहीं पाए। और अभी आए हैं तो अभी गलत एरिया आते डीपी नहीं, डीपी आते एरिया नहीं, एरिया भर पर्याप्त मिले थे राखड़ नहीं है न पोटास नहीं है। बहुत परेशानी है था किसान माले लगे चली ये काम बहुत परेशानी। सेवा समिति वाले आ ही तो देंगे कि थे खाते नहीं आए भैया, बहुत कंट्रोल चल रहे है, बहुत कंट्रोल चल रहे कि थे।